ट्वीट करके जिस तरीके से मायावती ने बात कही उसका जवाब शिवपाल यादव ने दिया, मुख्य सचेतक सपा के मनोज पांडे ने दिया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही और अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। देखिए गाजियाबाद में घटना हुई, अभी जौनपुर में पत्रकारों पर हमला हो गया है, प्रयागराज की इतनी बड़ी घटना हुई है तो अभी तक तो पकड़े नहीं गए। वो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, तुरंत पकड़े जाना चाहिए था। ट्वीट से करने से कुछ नहीं होना है। कार और शासन को ध्यान में रखना चाहिए कि जरूर उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करे। इलाहाबाद की घटना केवल एक घटना नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती है। मायावती ने आप लोगों से अटैच किया है। अरे सू बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 72 छेद हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे प्रयागराज के उमेश हत्याकांड में अतीक गैंग का नाम सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और आज मायावती ने अतीक को सपा का प्रोडक्ट बताया जिसके बाद जुबानी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आज बहन जी का ट्वीट का तात्पर्य यह है कि चूंकि पीड़ित परिवार ने जो नामजद किया है तो नामजद तो मान लीजिए उन्होंने अतीक को भी किया है और तो अतीक तो माना कि अतीक तो भाई समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया और जिसमें वह पूजा पाल के पति की हत्या किए थे उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे। लेकिन आज पूजा पाल जी खुद जो है जा करके उसी समाजवादी पार्टी में मिल गई हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो उनकी पत्नी को साहिता परवीन जी को जो केवल ज्वाइन कराया और बहन जी का ये मानना है कि अब चूँकि पीड़ित परिवार ने उनका भी नाम लिखाया है तो वह अगर जांच में आ जा रहा है कि उनका नाम मतलब इसमें शामिल है, वो भी इन्वॉल्व है तो बहुजन समाज पार्टी तुरंत उनको पार्टी से निकाल देगी। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना एक हमेशा का वो रहा है और उसी सिद्धांतों पर आगे भी चल रही। उन्होंने सही बात बोली है लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने भी किया है, बसपा ने भी किया है। अब वो एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी तो मुक्त है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती रही करती रहेगी और उनको किसी प्रकार का संरक्षण पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता रहा ना दिया जाएगा। दोनों पार्टियां गुंडों अपराधियों माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टियां हैं, उनको शायद वो दिन भूल गया। मैं उनकी सरकार में मिनिस्टर था और RDF बम लगा करके अपराधियों ने उड़ाने का काम किया और जब मैं तो अचेत अवस्था में 7 दिन कोमा में रहा और अज्ञात के खिलाफ FIR लिखाई गई थी। 16 के 16 अपराधी जो उसमें निकल करके आए सब समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट है वर्तमान में वो किसके साथ है ये भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा नेताओं को। तो राजनीति और गुंडागर्दी ये दोनों कभी साथ नहीं चल सकते, इनको अलग ही रखना पड़ेगा। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।